सर ये माथे पे लिखवाना हमारा ना ही कोई शौक है और ना ही हम इस चीज को अच्छा समझते हैं। क्या करें, मजबूरी है। और मजबूरी मेरी अकेले की नहीं है, मजबूरी मेरे उन भाई बहनों के लिए है कि कल कोई भी इस चपेट में आके फंस सकता। सर आपने जैसे देखा है कि नो रोड नो टोल, खाली ये टोल को लेके नहीं है। आप ये चीज देखो कि जब कोई बीमार होता है, कुछ होता है हमारे जम्मू में, कहीं भी जगह पे किसी कोई एक्सीडेंट होता है, तो आ जाके हम दरवाजा खड़काते हैं मेडिकल कॉलेज का। और मेडिकल कॉलेज का जब दरवाजा खड़काते हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें वहां पे कोई सहूलतियां नहीं मिलती, सब कुछ मिलता है, बट कुछ चीजें ऐसी आती हैं कि जो मजबूरी में डॉक्टर्स को भी उसी वक्त रेफर करना पड़ता है, डीएमसी या अपना पीजीआई। तो जब वो डीएमसी या पीजीआई करेंगे तो हम नो रोड नो टोल में सीधा सीधा 2-2.5 घंटे तो सर अगर वहीं पे हो गए। इन केस अगर वो बारिश का मौसम या कुछ रहता है, तब तो वो बंदा खत्म हो गया ना सर, वो ना इधर का ना ना उधर का रहा, और ये एम्बुलेंस तो रहेगी पानी के बीच में। और आपने वहां पे ये चीज भी देखी होगी कि कुछ गाड़ियां जैसे बसेस फंस रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियां फंस रही हैं, और वहां पे भी कई बंदों ने क्या कर दिया कि उनको निकालने के लिए टोल चैन लगा के ट्रैक्टर के साथ बाहर निकाल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट या कोई एम्बुलेंस अगर वहां पे फंसती है, तो वो उसको टाइम भी तो लगेगा ना सर, कि टोर्चर लगाना है, उसको बाहर निकालना है, तब तक तो सर बंदे की जान गई ना। और मैं कहता हूं कि सरकार के आगे हाथ जोड़ के ये विनती है, जितनी जल्दी हो सके इस चीज का फैसला हमारे हक में दो, क्योंकि ये पहले वाला टाइम नहीं रहा। और मजबूर मत करो हमें कि सड़कों पे उतरना, ये आज की जनरेशन जो है वो इस चीज को लाइक भी नहीं करती है, कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमारा फैसला जो भी है सरकार का है, हमारे हक में ही आएगा। और यहाँ तो ये चीज है कि जैसे यहाँ पे कोई चीज बंदा कोई रेफर होता है, कोई भी हो सकता है, और इसमें इसमें अपना क्या रहेगा कि कोई चॉपर की सर्विस होना लगी हुई है, कि यहाँ तो होगी यहाँ से कोई मेडिकल कॉलेज से कोई केसेस ऐसा जा रहा है, ये किसी के साथ भी हो सकता है सर। सिर्फ अगर हम आज की डेट में अगर जी रहे हैं, अपना ये जम्मू शहर जो है हमारा देवस्थान है, अपना पवित्र माता रानी का ये शहर है जैसे जो भी है ये, और हमें पूरा अनुशासन है कि ये आज का जो फैसला है ये हमें अपना सरकार की तरफ से। पिछली बार मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बताया गया था कि 8 तारीख को लास्ट फैसला आएगा। आपको क्या लगता है कि ये फैसला हमारे हित में आएगा? सर देखो कि वैसे तो ये 8 तारीख या 5 दिन के बाद ये जो भी है, ये तो एक किस्म का एक क्या बोलूं मैं इसमें, क्या लैंग्वेज भी हम यूज करते समय हमें खुद शर्म आती है अपने आप पे कि एक इतना छोटा से फैसले को लेके कि, और देखो पब्लिक ये भी नहीं चाहती है कि आप टोल को तोड़ो या इसको बंद कर दो या कुछ भी है कि इसको हमेशा के लिए वो कर दो। पब्लिक ये चाहती है कि जब आप रोड का अपना पूरा सिस्टम अपना सेट होता है कि ये रोड्स की सर्विस मिलती है, तो आप टोल लो ना यार, तो उसमें हमें कोई वो थोड़ी ना कि हमें कोई शौक थोड़ी है कि हम सड़कों पर उतर के ये आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये किसी के साथ भी ये दिक्कत हो सकती है कि मैं किसी की भी जान के साथ ये खिलवाड़, जैसे कि यहाँ पे बारिश के मौसम में या ये रेफर करते हैं, और जो इसमें हो सकता है कि कईयों की जान भी चली गई होगी सर इस चीज के कारण। बाकी हमें पूरा अपनी सरकार के ऊपर है कि आज ये फैसला, और इसमें मैं तहे दिल से अपने भाई बहनों को हाथ जोड़ के उनको दिल से सलूट करता हूँ कि जिन्होंने सड़क पे आके इस मुद्दे को उठाया, अपना कीमती वक्त दिया। सल्यूट है उन भाइयों और बहनों को भी। जय शंकर, जय भोलेनाथ।